अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे, अल्लाह पाक के करम से मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक है। और बस मैं अभी सुबह उठी थी, उठते बस ब्रेकफास्ट बना रही थी तो सोचा क्यों ना बस मैं यहाँ से आज अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, फुल रूटीन डे। तो बस यहाँ मैं उठते बस ब्रेकफास्ट में मेरा टोस्ट बनाए थे और उसी के साथ साथ बस यहाँ पर मैंने दो एग फ्राई कर रही थी, एक साथ ही फ्राई कर लेती हूँ, मेरा एक और मेरे एक हस्बैंड का। और मैं जर्दी को बिल्कुल अच्छे से कुक करती हूँ क्योंकि हम लोगों को कच्ची नहीं पसंद। तो बस यहाँ पर, और आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार सा होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप लोग स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, फुल देखिएगा, बहुत ही अच्छा होगा आज का व्लॉग। तो बस यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने फुल बस यहाँ हम लोगों ने किचन को क्लीन किया था, क्लीन करने के बाद हम लोग थोड़ा सा चले गए थे बाहर। तो बस बाहर हम लोग गए थे किसी काम से, तो बस वो हमने जो काम करना था हम लोगों ने वो काम किया ख़त्म, उसके बाद हम लोगों ने मैकडोनल्ड ले लिया था और बस हम लोग फिर घर लेके आ गए थे। और यहाँ मैं आप लोगों से एक बात करती जाऊँ कि प्लीज़ आप लोगों ने, अगर किसी ने मेरा अभी तक चैनल आप लोग देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है हमें और हमारा दिल भी करता है कि हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करें। तो बस यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे आप लोगों के कोई पैसे नहीं लगेंगे ना ही कुछ होगा, बस आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है। अब हम लोग आए थे, आने के बाद थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुए, फ्रेश होने के बाद मुझे शाम ये मगरिब के बाद का टाइम है तो मुझे मार्केट जाना था दोबारा से, इन्होंने कहा था मैं शाम में लेके जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत होती है। तो बस उसके बाद शाम में हम चले गए थे फिर से मार्केट। मैं अब जा रही थी शोभरा क्योंकि मुझे लेना था घर का बहुत सामान थोड़ा बहुत। यहाँ पर अब मैं शोभरा पहुँच चुकी थी और इंटर होती है, हमें यहाँ पर ऐप दिखाना होता है तवक्कलना, तो वो दिखाएंगे तो आपको अंदर जाने देंगे, उसके अलावा आपको नहीं जाने देंगे। और बस मुझे घर का थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान लेना था इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे लेके चलना है मार्केट। तो बस यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत क्लीनिंग का सामान लेना था और इंशाल्लाह घर जाके मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगी कि मैंने आज क्या शॉपिंग की। और शॉपिंग का तो यही होता है कि हम मार्केट आ जाओ और कुछ ना कुछ ना लें, तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दिल कर ही जाता है बस ये ले लो वो ले लो, बस ये हो जाता है। और सऊदीया में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पर औरतों की इतनी इज्जत की जाती है, इतनी इज्जत की जाती है कि हम एक रोड भी क्रॉस करेंगे तो वो फ़ौरन से गाड़ी रोक देते हैं कि नहीं कि औरत जा रही है तो इज़्ज़त करो। और पाकिस्तान में क्या होता है कि औरतों का मजाक उड़ाया जाता है और तमाशा बनाया जाता है, तो बस इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। अभी भी एक लड़की के साथ इतनी बुरी हालत कर दी और उसके लिए किसी ने कोई आवाज़ नहीं आई। चलो माना वो लड़की पूरी ही गलत थी, पूरी ही गलत थी कि वो इतने लड़कों में क्या करने गई थी, पर उसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी इज़्ज़त का तमाशा बनाया जाए। उसकी जगह आपकी भी माँ बहन बेटी हो सकती थी तो आप लोग क्या चुप रहते? तो प्लीज़ उसके लिए कोई चुप ना रहे, सब आवाज़ उठाएं और उसको गलत नहीं बोलें। चलें वो गलत भी है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी इज़्ज़त का तमाशा बनाया जाए। तो बस मैं आप लोगों से यही बात बोलूँगी कि किसी की इज़्ज़त का तमाशा नहीं बनाना चाहिए। कल को आपकी बेटी, बहन, बीवी, माँ, इनके भी आगे आ सकता है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि उस लड़की को इंसाफ तो मिलना चाहिए। और बस क्या बोल सकते हैं, पाकिस्तान की जहालत है और कुछ नहीं है। और ऐसा मैं बोलने पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गलत तो गलत ही है। किसी की इज़्ज़त का तमाशा बनना कोई आसान बात नहीं होती। एक बाप से जाके पूछो कि उसके बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी जब उसकी बेटी का इतना तमाशा बना है। मैं इसी बारे में ये बात करती हूँ, मुझसे चुप नहीं रहा गया था क्योंकि एक चीज़ जब आंखों के सामने ये चीज़ आ रही है बार बार तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो मेहरबानी फरमा के जो जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो उसके लिए सब आवाज़ उठाएँ, आपकी एक आवाज़ से उस लड़की की हिम्मत बनी रह सकती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं शॉपिंग करके आज क्या क्या लेके आई। तो बस यहाँ मैंने अपनी बेटी के लिए दो चीज़ें ये ले ली थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी तो मैंने बस मना नहीं किया, मैंने ले लो। शॉपिंग करके आई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी। सबसे प्यारा तो मुझे ये लगा था, ये बॉक्स, ये आप चाहे तो ज्वेलरी बॉक्स भी बना सकते हैं, चाहे तो आप कुछ भी रख सकते हो। ये मुझे इतना अच्छा लगा था ना, बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए कितना अच्छा, और इसमें आप आराम से कुछ भी रख सकते हैं। तो एक मैंने ये ले लिया था, और पीस का है, इसमें मसाला भी रख सकते हैं या आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी,
और ये मुझे इतना पसंद आया था ना बहुत ज्यादा। बस मेरे को ये था कि मैं शायद इसमें गरम मसाला रख लूं या कुछ भी रख लूं, ऐसे सेपरेट करके ये रखा जाएगा आराम से। मैं अपनी बेबी वाइप्स लाई थी अपने बेबी के लिए, तो मैं उसके लिए हिमालय के ज्यादा सोचती हूँ कि हिमालय अच्छा था, हिमालय भी यूज कर लेती हूँ या पैम्पर्स वालों की भी यूज कर लेती हूँ। हिमालय भी बेबी के लिए अच्छा, उसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी है। इसी के साथ साथ वहां पर एक मतलब ये 5 साल वाली शॉप है, तो इसी के बाहर एक स्टॉल लगाते हैं जहाँ पर फेस की हर अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है। तो जाहिर सी बात है जब हम स्किन का अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी स्किन खराब हो जाएगी। किचन के साथ साथ घर के काम के साथ साथ अपनी फेस का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, तो मैं तो रखती हूँ। तो यहाँ पर मुझे गोल्डन स्क्रब मिल गया था, ये देखें कितना अच्छा है। तो एक ये मैंने ये ले लिया था और ये 5 साल वाली मार्केट में नहीं था, मतलब मैंने ये बाहर से लिया था। इसी के साथ मेरे हस्बैंड ने वहीं से ही एक परफ्यूम लिया था, और इसी मार्केट में अंदर ही बच्चों के खाने पीने की भी सब चीज़ें मिलती हैं। तो बस वहाँ से मेरे पास बच्चों का तो सब कुछ, बेटी का मेरी सब कुछ पड़ा हुआ था, तो बस मैंने वहाँ से सिर्फ इंदोमी ली थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं अपने किचन में रखती हूँ क्योंकि वो हाथ जब कभी कभार एलर्जी हो जाती है मुझे मिर्चों से, तो मैं इसी से ही साफ करती हूँ। इसी के साथ साथ मैंने अपनी बेटी के लिए एक पोनियों का सेट ले लिया था, ये मुझे इतना पसंद आया था, इतना प्यारा है, ये देखें कितना खूबसूरत है। और ये मैंने किचन में, आप लोगों ने देखा होगा मैंने अपना जब किचन पूरा टूर दिखाया था आपको, तो ये मैंने एक दीवार के वॉल पे लगाया हुआ जहाँ मैंने स्पून वगैरह टांगे हुए, तो ये मैंने बस वहीं के लिए लिया है। और ये मैंने बड़ा वो खराब हो जाएगा तो मैं ये लगा लूंगी, घर में पड़ा हुआ तो कहीं भी लग जाता है। और इसी के साथ साथ एक मैंने छोटी कढ़ाई ली थी क्योंकि मैं कढ़ाई वगैरह अक्सर बनाती हूँ, तो मुझे इसमें देने में ज्यादा सर्व करने में बहुत अच्छा लगता है, मैं कभी कभार इसमें भी खा लेती हूँ। और ये मेरे नेल्स पे मैंने नेल पेंट लगाया था तो वो हटला नहीं था, मैंने बहुत मुश्किल से नेल कटर से छुरी से हटाया था नमाज पढ़ने के लिए, तो ये मैंने आप ये ले लिया था। ये इतना अच्छा है, इसके अंदर फॉर्म होता है तो ये आसानी से इसमें आप उंगली डिप करो ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है इस तरह से। और फिर से परफ्यूम, मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा शौक है परफ्यूम्स का, बोलते हैं बस ये मुझे परफ्यूम ही चाहिए। और ये देखिए मैंने फिर से अपनी बेटी के लिए पोनियाँ ले ली थी, मुझे पोनी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है खासतौर पर बच्चों के बालों पे। और ये वाला ऑयल भी मुझे चाहिए था तो ये मैंने ले लिया था, ये मुझे हेयर मास्क के लिए मुझे चाहिए होता है क्योंकि मैं हेयर मास्क घर में ही बनाती हूँ अपने बालों के लिए, तो ये उसके लिए चाहिए था, मैंने इसलिए ये ले लिया था। और ये वाली पोनियाँ भी देखें कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत है। और ये पिलो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैं यहाँ पर ले लिए थे क्योंकि मेरा बेड वाइट ही है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि कोशिश के वाइट ही लूँ, तो यहाँ मैंने 3 ले लिए थे। बड़ा कुशन रखती हूँ फिर ये छोटे बीच में रखो तो बहुत खूबसूरत लगता है, तो इसलिए बस मैंने 3 ये ले लिए थे। और ये देख सकता ये 5 रियाल कुछ हलालों में मिला था, मतलब 6 रियाल में ही, और ये वाला मिला था मुझे 11 रियाल में, मतलब 12 रियाल में, 11 रियाल 50 हलाले तो 12 रियाल। और इसी के साथ साथ ये मैं अपने कॉर्नर्स पे रखने के लिए कमरे में, मेरी टेबल अक्सर बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है तो ये मैं उसके लिए पेपर लाई थी, ये इतना प्यारा है मुझे बहुत पसंद आया था ये देखें, तो मैंने ले लिया था कि साइड कॉर्नर पे बिछाने के लिए बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह जब बिछाऊंगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि साइड कॉर्नर में ये बहुत प्यारा लगता है। और ये मग देखें कितना खूबसूरत और कितना प्यारा, बस मेरा दिल आ गया था, तो मुझे एक ही मिला, मुझे 2 नहीं मिले, तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हें पसंद है तुम ले लो, कभी मैं पिलूंगा तो कभी तुम चाय पिलोगी, तो ये मुझे इतना अच्छा लगा था, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत। और बस यहाँ पर ऐसा ही होता है कि हम जितनी भी शॉपिंग कर ले हमारा दिल नहीं भरता, तो बस यहाँ पर बर्तन तो आपको पता है एक औरत की जान होती है बर्तन, तो बस यहाँ मुझे थोड़ा बहुत सॉस पैन पसंद आ गया था और यहाँ ग्लास का सेट, तो बस मैंने यहाँ पर ये भी ले लिया था,
और इसी के साथ साथ मेरी वॉशिंग मशीन का कवर भी ले लिया था, क्योंकि पानी वगैरह लगता तो कहीं ऊपर से डैमेज ना हो जाए या ख़राब ना हो जाए, तो मैंने बस यहाँ पर एक कवर मुझे दिख गया तो मैंने वो ले लिया था। और इसी के साथ साथ एक फॉइल पेपर भी ले लिया था, क्योंकि मैं किचन के चूल्हों पे वो ही लगाती हूँ स्टॉक पे। और यहाँ पर स्टॉक स्प्रे भी मिल गया था तो मैंने एक वो भी ले लिया था। और ये बहुत अच्छा स्प्रे है, बस हल्का सा स्प्रे कर दो और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दो और उसके बाद क्लीन कर लो, इतना नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो यहाँ मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये सब चीज़ें भी ले ली थी। और ये चीज़ें मेरे घर पड़ी हुई भी होती हैं तो मैं एक्स्ट्रा ला के रख देती हूँ, क्योंकि एकदम से ख़त्म हो जाती है तो मेरे हस्बैंड ला नहीं सकते कंपनी से लाना, तो जाहिर सी बात है मुझे फिर उनका एहसास होता है कि भाई वो जा रहे हैं इतनी मेहनत करके आ रहे हैं, उसके बाद मैं उनको तंग करूँ या परेशान करूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ला के स्टॉक चीज़ें रख देती हूँ ताकि मुझे परेशानी ना हो, मेरे पास पड़ी हुई हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं हर चीज़ का, क्योंकि आज पूरा दिन मैं बाहर ही रही थी और बिज़ी रही थी, तो फिर ये बाहर से ही खाना लिया है, तो यहाँ की फेमस बुखारी, तो बस ये लेके आ गए थे। और बस इसी के साथ मैं खाना करूँगी इंजॉय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।